हेलो दोस्तों, मेरे पास है सैमसंग का B110E। सैमसंग का ये कीपैड का डुअल सिम है B110E। इसमें पासवर्ड लॉक है और पासवर्ड हम UMT यूनिसॉक टूल से इसका पासवर्ड रीड करेंगे कि क्या पासवर्ड है। सबसे पहले सिम निकाल लेंगे इसकी, और सिम निकालने के बाद हमें टूल में जो सेटअप करना है ये है कि फ्लैश मोड टैब पे जाना है यहाँ पे, और फ्लैश मोड टैब और यहाँ पे जेनरिक CPU, यहाँ पे 6530, और जॉब में सेलेक्ट करेंगे रीड फोन पासवर्ड, एक्सक्यूट पे क्लिक कर देंगे, होम बटन को दबा के रखेंगे और केबल को लगा देंगे। बैटरी मैंने ऑलरेडी लगा रखी है इस पर, मतलब ये सेंटर की है जो, इसको दबा के रखेंगे और केबल को लगा देंगे। ये देखिए पोर्ट डिटेक्ट कर लिया इसने और कुछ ही सेकंड में ही हमारा जो है पासवर्ड रीड कर देगा। प्रोसेस वही है जैसा सैमसंग ग्रुप 1200 का है। बैटरी लगानी है और सेंटर बटन को दबा के रखना है, केबल को लगा देना है। ये देखिए इसका एक्टिव पासवर्ड आ गया 5752 9752 9752 डाला मैंने। ये देखिए मोबाइल ऑन हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर इसमें सिम लॉक होता तो आप रीसेट EFS कर देते तो आपका सिम लॉक भी हट जाता। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर ही मिल जाएगा मेरा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।